Hey guys, good morning and welcome back to the channel. तो आज मैं इतना लेट हो गया जिम से, मैं बता नहीं सकता. मैं मतलब यार पहले सोचा 5:12 हुए हैं जब फ़ोन देखा, लेकिन एक्चुअली मेरे 6:12 हुए थे. तो मैं फिर सो गया, फिर उठा मैं 6:20 के करीब, तो फिर याद आया यार वो 6:12 थे, मुझे याद आया 5:12 नहीं थे. तो मैं बाइक पे आया आज, फिर बहुत लेट हो गया. अभी 8:30 हो गए, मैं अभी सुल्तानपुर में ही हूँ, वरना मैं तो 8 बजे से पहले घर में होता हूँ. चल तो मैंने सोचा चलो लेट तो हुए हैं आज, बाइक पे कोई टेंशन नहीं, घूम के आते थोड़ा वहीं पे, सुबह का नज़ारा लेके आते हैं. भाई जगह की बात ही अलग है, जॉगिंग करने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए बहुत बढ़िया जगह है. ये लकड़ी का पुल है और इस पर बाइक्स भी आती हैं, कई बार तो दो दो भी आ जाती है इकट्ठी, कोई चक्कर नहीं. वैसे नीचे लोहा ही है, ऊपर जो है लकड़ी है. तो सफाई देखो कितनी पूरी सफाई रखते हैं यार यहाँ पे, ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे. ज़रा भी मिट्टी या फिर गंद देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे. और ये जो ढेर है ये भी थोड़ी देर में उठा दिए जाएंगे. और हम बात कर रहे थे इंटरलॉक्स की, कि ये प्रॉपरली इंटरलॉक ये कोई यहाँ पे हैं, लेकिन जो हमारे सड़कों पे गलियों में लगते हैं वो इंटरलॉक बहुत ही गंदे तरीके से लगाते हैं. तो उसी की बात जिम में आज मैं कर रहा था, मुझे याद है ये देखो प्रॉपर है और इतने साल हो गए एक भी निकला नहीं, ऊपर नीचे नहीं है, प्रॉपर लगाएं. तो हमारे जो गलियों में लगाते वो केयर नहीं करते, बस पता है लगाना ही है, जैसे मर्जी लगा दो, कौन कोई बोलेगा. तो वो ऊपर नीचे हो जाते, ख़राब कर देते, लेकिन ये परफेक्ट है. मतलब ये आज से नहीं है, पता नहीं कितने साल हो गए इन्हें, बिल्कुल ठीक है. तो ऐसे काम होना चाहिए, करने तो कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि कोई बड़ा अफसर भी नहीं पूछता, छोटा तो लगा रहता है अपने हिसाब से. तो बस इसी चक्कर में लोग जो है अपना काम आराम से कर देते, पता है पैसे तो मिल ही जाने, काम करो ना करो तो बस भाई वही सिस्टम चलता है. पानी का लेवल आज काफ़ी ऊपर है, वैसे इतना होता नहीं है, और आज पानी ठहरा हुआ है, बह नहीं रहा. यार कल मेरा पूरे का पूरा दिन जो था वो घर में मेरे कमरे में बीत गया, तो काम में इतना ज़्यादा बिजी था बता नहीं सकता. तो इसलिए सौरभ को बोला मैंने कि जाओ जाके व्लॉगिंग करो, कुछ करके लाओ यार. मैंने तो सुबह जितना बनाया था वही था, उसके बाद तो कुछ बना ही नहीं. तो यार बड़े मतलब कल बिजी था, आज भी कुछ ऐसा सीन होने वाला है. तो मैंने सोचा चलो पहले व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ जितना होता है, बाकी घर में जितना हुआ कर लेंगे. तो थोड़े दिन बहुत बिजी रहने वाला काम में, तो बस इसी चक्कर में व्लॉग मैनेज नहीं हो पा रहा. और यार कितना टाइम होगा, हम कहीं पे गए भी नहीं है, और शायद इस संडे भी ना जा पाए, पक्का नहीं है, कह नहीं सकते. मतलब बहुत ज़्यादा काम बिजी चल रहा है. तो अभी गुरपूरब आने वाला है थोड़े दिनों में, तो फिर यहाँ पे आएंगे गुरपूरब पे, मस्ती करेंगे, मज़ा आता है यहाँ पे आके. 550 साल जो गुरपूरब हुआ था यार, वो देखने वाला था, 2019 में होता. काश कि उस वक्त मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी होती. मैंने पिछले साल ही स्टार्ट करी व्लॉगिंग, तब रेगुलर नहीं डालता था, तो उस वक्त रिकॉर्ड कर पाया जितना. लेकिन जो 2019 में था ना 550 साल, भाई वो तो मैं क्या ही बताऊँ. मतलब वो चीज़ ऐसी थी कुछ कि यहाँ पे ना सब कुछ फ्री में था. मतलब वो चीज़ें जो दुनिया में आपने कभी देखी नहीं होगी फ्री में मिलती थी, यहाँ पे मिलती है. मतलब ऐसी कोई खाने वाली चीज़ नहीं थी जिसका लंगर ना लगा हो यहाँ पे. मंचूरियन, फ्रेंच फ्राई, बर्गर, पकौड़े, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, आई मीन सब कुछ, लिटरली जो महंगी महंगी चीज़ें वो भी यहाँ पे ऑर्डर पे लगी थी, फ्री पे लगी थी, बिल्कुल फ्री लंगर था जो गुरु का वो है. मगर रेस्टोरेंट में जो आपको महंगी महंगी 500-600 की चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे सब कुछ फ्री था. और ये लंगर कुछ एक दो दिन का नहीं था भाई, ये लंगर पूरा 20-25 दिन चला था ये लंगर, दिन रात. मतलब बड़े बड़े स्टॉल ये मेरे इस तरफ उस तरफ जितने भी खेत थे उस वक्त उन्होंने बुक करवा लिए थे, रास्ते में आते लोग भी दूर दूर से आके लंगर लगा रहे थे, और यहाँ पे भी लगा हुआ था. इस बात का बड़े पछतावा है, उस वक्त काश कर लेता रिकॉर्ड, लेकिन व्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं करी, सोचा तक नहीं था तो कैसे कर लेता, बट कोई नहीं अब कर लेंगे जब जागो तभी सवेरा. मतलब अभी जो है ये सीन जो 550 साल पे हुआ, 600 साल पे दोबारा का, मतलब उससे 50 साल बाद, 48 साल रहेगी, मतलब तब तक हम 75 के हो जाएंगे. तब मैं 25 का था, अब मैं 26 का हूँ, मतलब 75 का हो जाऊँगा तब मैं, तब 600 साल होंगे. अगर तब तक जिंदा रहा तो फिर देखेंगे. हाँ अगर उस वक्त व्लॉगिंग हुई तो जरूर करूंगा, अगर घुटनों में हाथों में इतनी जान हुई तो यहाँ तक आने की. तो भाई मतलब 75 साल के हो जाएंगे फिर जाके 600 साल आ जाएगा, तो दो सीन जो 550 साल पे था वो दोबारा 50 साल बाद तब होगा अपने चैनल पे. तक तक जिंदा रहा तो मुझे तो लगता है मैं जल्दी टपक जाऊंगा. एनीवे अभी टाइम काफी हो चुका है, मैं निकलता घर की और भूख लगी है, जाके कुछ बना के खाना भी है. तो अभी कंघी करवा रहा है आज, तो वैसे तो यार इसकी कंघी हो रोज होनी चाहिए, पर हम करते नहीं है, आज से रोज किया करेंगे. तो उस दिन जो दो मल्टी प्लग लाए थे मैं वायर्स, तो उसमें से एक खराब थी, ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, तो फिर से बदला के ये लेके आया, नहीं लेके आया हूँ. तो कल रात याद भूल गया, कल रात को लेट लेके आया सौर, तो अब चेंज करने जा रहा हूँ दिन में. सीढ़ी रात की बारी पड़ी है, तो यार लाइट ही गई हुई है, मैं चेंज करने वाला, लाइट गई है, पता नहीं चलेगा कि ऑन है या ऑफ है. ऊपर से धूप इतनी ज्यादा हो रखी है, तो भाई अभी पैन चेंज कर रहा हूँ, अभी रात को करूंगा दिन में नहीं, तो रात को जाके कर देंगे. अब रख रहा हूँ इसे वापस. ओए ऊपर नहीं जाना, चल दर्द आजा वापस, चल चल मैं चलना, आजा चल 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 आजा आजा शाबाश, इधर 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 अंदर है.
चलना मैं आ जा भाई। गुड बॉय। वह सौरव ने बनाई है पनीर की भुर्जी और मैं बताना भूल गया कि मॉम कल से गए हुए हैं कहीं पे, वो दो दिन बाद आएंगे तो इसलिए हम खाना खुद बना रहे हैं। ये मैं बात बतानी भूल गई, इम्पोर्टेंट बात थी, कल के गए हैं सुबह के, मैंने बताया नहीं, याद ही नहीं था, याद था पर बताया नहीं बस। ये शेफ ने आज भुर्जी बनाई है पनीर की, ये बहुत अच्छी बात है। कोई और काम ढंग से करे ना करे, तीन काम ये बहुत बढ़िया करता है, पनीर की भुर्जी बनाना, दूसरा कोल्ड कॉफी बनाना और तीसरा सैंडविचेस, ये तीन काम में ये मास्टर शेफ है, बाकी सब में तो बुरा है। तो यहाँ पे भाई काम फिर से खराब हो गया है, लैपटॉप फिर से वही कर रहा है जो पहले कर रहा था, चलता चलता बंद हो जाता था। तो भाई इतने पैसे लगाने का, उस दिन ठीक करवा के लाया तो क्या फ़ायदा, फिर वही करेगा, तो अब मुझे फिर जलंधर जाना पड़ेगा और उस बंदे की रील बनानी पड़ेगी जिसने इसे ठीक किया था, तो उसे दिखाऊंगा भाई तूने ठीक क्या किया, ये तो फिर वही सब कुछ कर रहा है। तो यार मैं एडिट कर रहा था तो वो बीच में बंद हो गया, तो पूरी एडिटिंग मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। मूड इतना गुस्से में है मेरा, मैं बता नहीं सकता, बहुत ख़राब है। फिर मैंने सोचा चलो वो बाद में करूँगा क्योंकि उस वक्त दिमाग गर्म था, मैंने सोचा व्लॉग एडिट करता हूँ, तो व्लॉग एडिट किया तो वो अभी शुरू ही किया था जस्ट और फिर बंद हो गया। तो भाई अभी मुझे कल जलंधर जाना ही पड़ेगा और इसे कल ठीक करा के लाऊंगा और उसे कहूंगा कि अब की बार ठीक करके देना, पहली की तरफ मत करना, और 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, जो पहले दिए थे उसी में होगा ये। तो भाई बहुत ज़्यादा काम मेरा नुकसान हो गया, अब मेरे को सारी की सारी वीडियो दोबारा एडिट करनी पड़ेगी वरना अब तक अपलोड भी हो जाती। मैंने सोचा था नया लैपटॉप ना ही लेना पड़े, लेकिन मुझे लगता है भाई अभी मतलब लेना ही पड़ेगा जो हालात है। ओके सो आई हैव नो आइडिया कि मैं यहाँ पे करने के आया हूँ, बस यार लैपटॉप बंद हो गया, दिमाग मेरा गर्म हो गया, लैपटॉप गर्म होकर बंद हो गया और मैं भी गर्म होकर बंद हो गया, तो मेरा काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। तो मैं अभी जो यहाँ पे गेड़ी लगाने आया हूँ, यहाँ पे आया करता था मैं अक्सर, काफी टाइम के बाद आया हूँ, पर मुझे आइडिया नहीं करना क्या है, बस आ गया मैं ऐसे ही। बस मैंने कहा चलो पहले साइकिल पे, सोचा फिर क्या नहीं अंधेरा बहुत हो जाएगा, साइकिल पे नहीं बाइक पे चलता हूँ, तो पता नहीं क्या करने आया हूँ, बस आ गया हूँ। और ठंड बढ़ गई, अभी गर्म पजामे पहनने पड़ रहे हैं अभी। अब यहाँ पे कोई भी फसल नहीं है तो बहुत ही जाड़ सा लग रहा है, तो अभी बस सींची गई है फसल, तो उसकी वजह से ना पूरा खाली खाली लग रहा है। तो ये SP रिसोर्ट है, ये वाला सामने जो है ये एक्चुअली में एक पैलेस है रिसोर्ट, तो ये कभी भी दिखाई नहीं पड़ता मेन रोड से जहाँ से मैं आता हूँ उधर से, आज दिखाई दे रहा है ये क्योंकि कोई भी इधर फसल नहीं है, सभी की सभी फसल जो है अभी दोबारा सींची गई है इसी कारण। तो मैंने कहा ये पहले तो नहीं विजिबल था, अब कैसे हो गया। और सेम इधर भी है, तो ये वाले जो प्लांट्स हैं, ये वाले प्लांट्स नहीं है, ये गोदाम है, ये इतने सारे, ये भी कभी विजिबल नहीं हुए क्योंकि आगे इतनी फसल होती थी, अब ये भी दिख रहे हैं। तो मैंने कहा भाई शायद दायरा बढ़ गया या मेरी निगाह तेज़ होगी, अब चश्मे की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं गलत था, चश्मे का नंबर तो मेरे ख्याल से और बढ़ गया मेरा यार, क्योंकि मेरे को अभी चेक करवाना पड़ेगा, शायद मेरा नंबर और बढ़ गया है। अब कल जलंधर जाऊंगा, पहले लैपटॉप वाला काम करवाना है, सोच रहा हूँ फिर निगाहें भी टेस्ट करवा ही लूँ, पक्का नहीं है अभी, पर लैपटॉप वाला पक्का है काम। तो अभी मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात ये है कि यार लैपटॉप जो है अब ठीक हो जाए कल, और अगर ठीक हो भी गया नहीं भी हुआ तो मुझे एक नया लैपटॉप लेना पड़ेगा, मतलब मुझे 80,000 रुपये का खर्चा है, तो कम से कम मैं 80-90,000 वाला मॉडल तो इस बार लूँगा ही, तो इस बात की टेंशन है यार, लगभग 1 लाख के करीब रुपया खर्चना पड़ेगा, बट होप्स होगी ऐसा ना हो, ठीक तो हो जाएगा लैपटॉप, मुझे पता है इसने ठीक से किया नहीं है लैपटॉप, ठीक अब करेगा। तो अभी जो है मुझे कल जाके ये करवाना पड़ेगा, उसकी बेइज्जती भी करूँगा मैं, तो मेरा काम भी खराब हुआ, टाइम भी अपना काम छोड़ के कल जाऊंगा, तो यार बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को। मैंने सुबह बताया मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैंने एक लैपटॉप देखा था, वो था 1,40,000 रुपए का, उसमें ड्यूल स्क्रीन है वो वाला, एसर का लैपटॉप, नहीं एसर का नहीं, उसका था क्या नाम है कंपनी का, एसस, सौरव के पास एसस का है, तो एसस कंपनी का है वो, अभी भाई ले नहीं सकता, तो पहले अभी 80-90,000 वाला कोई देखा है कि मैंने लैपटॉप, अब वो देख रहा हूँ, मतलब अभी तो नहीं लूंगा मैं, अगले साल 2 महीने बाद ही लूंगा। तो सुबह जब ट्राई करने वाले थे वायर लगाने को, तब लगी नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो अब लाइट आई है, पूरा दिन लाइट गई रही, अब आई है, तो अब लगाता हूँ लाइट को। ये देखो सभी की सभी जल रही है साइड, ये बीच में 3 है ना, 1, 2 और 3, ये नहीं जल रही, हल्की हल्की जल रही है, और इधर से फिर सभी जल रही है, इधर से 3 बंद हो गई थी वो मैंने ठीक कर दी, और ये नई वायर है, सो ये इसकी जगह पे लगाएंगे हम, ये वाले की जगह पे। 2,000 years later. तो कैसे जगाई, कितना टाइम लगा, कितने आइडियाज लगे और क्या कुछ करके मैंने जगाई मत पूछना, बस जगा दी मैंने भाई, और 3 खुराफाती आइडियाज लगे बता दूं, पर जगा मग हो गया जहां। तो ये चल रही थी, सौरभ बोल रहा था नहीं जलेगी, मैं कहा ऐसे कैसे नहीं चलेगी, तो मैंने जला के दिखाई, तो ये वाली 3 थी, 1, 2, 3, तीनों के तीनों मैंने ऑन कर दिया, देखो जगाड़ लगा के, अभी सभी जल रही हैं, अब अच्छी लग रही हैं, ऐसे कैसे नहीं जलेगी सौरभ भैया। ये सीढ़ी भी कल से बाहर ऐसे ही पड़ी है यहाँ पे, तो मैंने रखी नहीं थी, अब रख देते हैं।
रख दी। ये रस्सी लाए थे कूदने के लिए, भाई अब तक यूज ही नहीं किया, ऐसे ही वहां पड़ी है ऊपर छत में, ये मोन्टी में, तो अब इसको भी यूज में लाएंगे, शुरू कर रहे हैं कार्डियो। लेके मैं नहीं आया था, सौरभ आया था, तो उसने भी एक बार भी यूज नहीं करी। इन्वर्टर में भी पानी कम हो रखा है सभी में, ये कल भरेंगे भाई, आज टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मुझे और बना के खाने हैं भाई अपनी डाइटिंग का सामान, तो पहले वो खा के फिर काम शुरू करना है। जो दिमाग गर्म हुआ था वो ठंडा हो गया, अब फिर से रेडिंग करने बैठने वाला हूँ। और ये सर्दी वाले कपड़े निकाल के रखे भाई, इन्हें भी सेट करके रखना है अलमारी में ऐसे। तो अभी टाइम है ओट्स खाने का, डबी ओट्स खाएगा नहीं? तो अभी मैं व्लॉग का करने वाला हूँ एंड, सो इस व्लॉग को ये पे एंड करते हैं गाइस। तो मैं करने वाला हूँ अभी एडिटिंग, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। तो मिलेगा नए व्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। तो 200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे भाई, 500 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे आज हमारा। लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा।